हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। बहुत ही छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बट अगर आपको चीज़ें नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाते हो, और अगर आपको चीज़ें मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में, तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और उसके बाद में सिमिलरिटी। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। हो सकता है कई बार सवाल में आपको डायरेक्ट मिले, और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट नहीं भी मिलता है, आपको यूज़ मिलता है। तो आपको हर तरीके से उसको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उसके गुण होते हैं, किस तरीके से उनमें चीज़ें होती हैं और कैसे आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज पूरा समबाहु त्रिभुज हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है भाई, जिसको मालूम है थोड़ा पेशेंस रखेगा। जैसे आप पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि क्या नई चीज़ें आप सीख रहे हो। आप देखोगे इस वीडियो में, जो भी आपका पुराना तरीका था जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था या फार्मूला लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो समय एकदम खत्म हो जाएगा। मैं आपको एकदम छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप जल्दी से सवालों को हल कर लोगे, ठीक है। तो ये तो सभी को मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं, और तीन ही एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, और इन सारे एंगल का मान कितना होता है, 60 डिग्री। मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, इतना तो सभी को मालूम है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई निकालना। ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई निकालना। अब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। तो चाहे इस शीर्ष से यहां पर लंब डाले, चाहे इस शीर्ष से यहां पर लंब डाले, चाहे इस शीर्ष से यहां पर लंब डाले, तीनों लंब की लंबाई आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। अगर मैं यहां से यहां पर लंब डालूंगा, ये अगर एच है, तो अगर मैं यहां से यहां पे लंब डालूंगा तो ये भी h होगा, और अगर मैं यहां से यहां पे लंब डालूंगा तो ये इसी पॉइंट से जाएगा और इसकी भी लंबाई कितनी आएगी, h आएगी। अगर इसको हमको निकालना है तो सबसे पहले आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देखिए, उसको समझिए, और फिर आसानी से आप हमेशा इसको याद रख पाएंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि समबाहु त्रिभुज में जब सामने वाले शीर्ष से यहां पर लंब डालते हैं तब हमारा ये जो बनता है ये हमारा क्या होता है, h होता है। कहने का मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये कितना है, पहले से मालूम है 60 डिग्री का, ये 60 है, ये 90 है, तो आप मेरे को बताओ ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अच्छा देखो, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमारा एंगल है 30, 60, 90 हमको हमेशा याद रहता है। तो 30, 60, 90 का हमको रेशियो भी हमेशा याद रहता है, तो वो रेशियो को यूज़ करो। 30 के सामने की जो भुजा होती है वो एक यूनिट होती है, 60 के सामने की जो भुजा होती है वो √3 यूनिट होती है, और 90 के सामने की जो भुजा होती है वो 2 यूनिट होती है। 2 यूनिट आपका क्या हो गया, साइड हो गया, और √3 यूनिट आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। अगर मैं पूछूं कि साइड और हाइट में अनुपात क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे 2 और √3 का है। अब मान लो अगर यही हमें निकालना है, तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि a बाई एच का मान किसके बराबर आ जाएगा, 2/√3 के बराबर आ जाएगा। अब आपको a दिया है h निकालना है, या h दिया है a निकालना है, कुछ भी, दोनों चीज आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर हमको a को h के टर्म में निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2/√3h। अगर हमें एच को निकालना है तो क्या हो जाएगा, √3/2a। आप सिंपली याद रखो कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है, या इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी, जो भी निकालना आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो फटाक से याद कर लो, अगर नहीं आता तरीका याद कर लो, धीरे धीरे जब आप सवालों में लगाओगे तो ये आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब कभी भी हाइट दिया जाएगा या साइड पूछा जाएगा निकाल लोगे, साइड दिया जाएगा हाइट पूछा जाएगा निकाल लोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मान लो साइड हमारा 6√3 है, और मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ हाइट कितना होगा, क्या पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है। मैंने क्या बोला, हाइट बराबर होता है √3/2 * भुजा 6√3। 2 से काट दोगे ये 3 हो जाएगा, और ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो एच का मान किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक चीज हमारा हो गया हाइट, जो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हाइट कैसे निकालते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, और सारी की सारी हाइट आपकी क्या रहेगी, बराबर। हाइट वाले केस में आपको क्या रखना है, 30, 60, 90, ये आपके एंगल्स बनते हैं, और ट्रिपलेट आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं दो और चीजों की, एक है आपका परित्रिज्या और एक है आपका अंतः त्रिज्या। तो देखो परित्रिज्या कैसे बनती है, जैसे मान लो अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, अगर यहां से मैंने
चाहे तो लंब खींचो, चाहे एंगल बाइसेक्टर खींचो, कुछ भी खींचो, समबाहु त्रिभुज में सारी चीजें, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही पॉइंट होता है और सारा यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सारी चीजें क्या, यही इस तरीके से, और तीनों ये एक ही पॉइंट से जाते हैं। अब आप क्या होता है कि इसको अगर हम लोग केंद्र मानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, केंद्र मानते हैं, और यहां से एक सर्कल खींचते हैं, यहां से शीर्ष तक की दूरी, यहां से शीर्ष तक की दूरी, यहां से शीर्ष तक की दूरी, ये हमारा क्या होता है, परिवृत्त होता है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, यही आपकी क्या होती, त्रिज्या होती, तो यह आपकी परित्रिज्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका, परित्रिज्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपकी, परित्रिज्या हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, परित्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, इसी वाले में अगर हम लोग बात करें अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो भी यही है आपका, यही सेम तीन लाइनें बनेंगी, यही आपका शीर्ष लंब होगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, फिर जहां पर काटेंगे यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, शीर्ष लंब 90 डिग्री, ये शीर्ष लंब है 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये सारे के सारे भुजाओं को जो अंदर से टच करेगा, भुजाओं को जो टच करे, ये भुजाओं को टच करता है, अंतःवृत्त, शीर्षों को अगर टच करें, स्पर्श नहीं करेगा, टच करेगा, छुएगा, परिवृत्त, ठीक। तो ये वाली जो साइड है छोटी सी, ये हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, भाई अभी भी केंद्र है, केंद्र से यहां को मिलाओ, केंद्र से यहां को मिलाओ, केंद्र से यहां को मिलाओ, ये सब क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारा क्या होता है, एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब जो ऊंचाई होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के योग के बराबर होती है। मैंने क्या बोला, ये जो कुल ऊंचाई है ये परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, दोनों का योग क्या हो गया, आपका कुल ऊंचाई के बराबर हो गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया। इस पे देखो अलग से बहुत सारे सवाल नहीं बनते, जो अभी सवाल बनेंगे वो हमने आगे ले रखे हैं, वो आपको समझ में, बस आपको पॉइंट समझने हैं कि कहां पे क्या चीजें हैं। अच्छा, अब हमको अगर परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या याद रखा था, 30 60 90। अब देखो मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, यहां से इधर डाला, यहां से इधर डाला, ये है, और ये जो है ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या है, ये जो है आपकी क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, ठीक। अगर इसको निकालना है तो अभी हमको मालूम है कि ये आपका 90 है, ये आपका 60 है, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा 60 है, ये आपका 90 है, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 है, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको ट्रायंगल कौन सा याद रखना है, 30 30 120 वाला, कौन सा, 30 30 120। ये हो गया 30, ये हो गया 30, और ये हो गया 120। तो ये वाले ट्रायंगल में भी हम लोग रेशियो याद रखते हैं क्या, 30 के सामने भुजा होती है एक, 30 के सामने भुजा होती है एक, 120 के सामने भुजा होती है √3। अगर मैंने बोला ये आर है और मैंने बोला ये भी आर है, रेडियस के बराबर, भाई यही तो है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस के बराबर हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। और ये जो √3 है यही तो हमारे भुजा के बराबर है। तो यहां से अगर मुझे a निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर r निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें यह बताना है कि a और r में अनुपात क्या है, तो भाई a बड़ा होता है और r छोटा होता है, √3/1, भाई ये √3 है, ये 1 है, √3/1 का रेशियो आ गया, फॉर्मूला भी आ गया, आपको आसानी से याद भी रख सकते हो, ठीक। अगर हमें इसी में क्या याद रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या याद रखनी है, तो देखो अंतःवृत्त कैसे बनेगा, भाई ये जो ट्रायंगल बनाया था ये वाला, और इसमें जो मैंने शीर्ष बनाया था, और मैंने क्या बनाया था कि ये जो ऊपर है ये कैपिटल आर है, ये जो नीचे है ये स्मॉल आर है, और ये दोनों का जो सम है वो एच के बराबर है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस होती है और ये जो डिस्टेंस होती है, इसमें अनुपात हमेशा क्या रहता है, 2 और 1 का, ये भी आपको बात याद रखनी है। आर और स्मॉल आर में जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। परिवृत्त की त्रिज्या अगर 2 है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1 आधी हो जाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1 है तो परिवृत्त की त्रिज्या 2 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं स्मॉल आर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स
सॉरी कैपिटल आर होता है टू टाइम्स स्मॉल आर, और अगर स्मॉल आर निकालना है तो आर अपॉन टू। अभी ये अलग अलग से मैं आपको समझा रहा हूं, फिर सारे के सारे फॉर्मूले मैं एक स्क्रीन पे लिख दूंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आप मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? अच्छा, यहां से अगर हमने ये निकाल लिया तो अगर मुझे स्मॉल आर निकालना है, कैपिटल आर तो निकाल लिया, अगर स्मॉल आर निकालना है तो ये इसका भी आधा कर दोगे, इसका भी आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू रूट थ्री। बोलो बात क्लियर होगी? अब परिवृत्त की त्रिज्या निकालो, उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लोगों ने ऊंचाई सीख ली, परिवृत्त की त्रिज्या सीख ली, अंतर्वृत्त की त्रिज्या सीख ली। अब हमें क्या सीखना है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बहुत ही आसान होता है भाई, तीनों भुजाओं को जोड़ो तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, थ्री ए होता है, सिंपल सी बात। अब हमें क्या सीखना है? परिमाप भी सीख लिया, क्षेत्रफल सीखना है। तो चलो भाई क्षेत्रफल के लिए अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल आप भाई मान लो आपको साइड दी है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, मान लो अगर आपको हाइट दी है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, मान लो अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, मान लो अगर आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बच्चे करते क्या है, अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी है तो वो क्या करते हैं, पहले उसको भुजा में बदलेंगे फिर एरिया निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या दी है तो उसको पहले भुजा में बदलेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा दी है तो भुजा से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपको ये नहीं करना है, अगर आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी है तो सीधे सीधे अंतर्वृत्त की त्रिज्या से क्षेत्रफल निकलेगा, परिवृत्त की त्रिज्या दी है तो सीधे सीधे परिवृत्त के त्रिज्या से क्षेत्रफल निकलेगा, ऊंचाई दे रखी है तो डायरेक्ट ऊंचाई से क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए फॉर्मूले को समझते हैं। जो आपका एरिया होता है, अगर आपको भुजा मालूम है तो भुजा मालूम है तो एरिया क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। अगर मुझे इसको हाइट के टर्म में लिखना है तो अभी मैंने आपको बताया कि ए और एच में क्या रिलेशन रहता है, ए और एच में रिलेशन रहता है ए अगर आपका दो है तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। अब मुझे एरिया को बराबर रखना है लेकिन यहां पे ए स्क्वायर यूज होगा और यहां पे एच स्क्वायर यूज होगा, तो ए स्क्वायर करेंगे तो चार आ जाएगा, एच स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। यहां पे ए स्क्वायर का मान चार है, यहां पे एच स्क्वायर का मान तीन है, तो उसके साथ में जो गुणा हो रहा है वहां पे ये क्या हो जाएगा आपका तीन, और यहां पे जो गुणा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। कहने का मतलब जो चीज यहां पर तीन है उसको क्या करना पड़ेगा, चार। भाई जो सात में गुणा होने वाला है यहां पे ए स्क्वायर गुणा करना है और यहां पे हमें क्या करना है, एच स्क्वायर का गुणा करना है। तो ए स्क्वायर का मान अगर चार था तो एच स्क्वायर का मान कितना हो गया, तीन हो गया। तो एक वैल्यू हमारी चार से तीन हो रही, तो जो दूसरी बची वैल्यू है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तीन से चार करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगर ये वैल्यू तीन है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, चार करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चार बटे तीन करना पड़ेगा, इंटू रूट थ्री बाई फोर। तो ये देखो चार से चार कट जाएगा, और अगर मैं रूट थ्री से काटूंगा तो ये भी रूट थ्री कट जाएगा, ये रूट थ्री आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली याद रखो, अगर आप ये बात समझ गए तो ठीक है, नहीं भी समझ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीधे सीधे याद रखो कि जो वैल्यू होती है ये होती है एच स्क्वायर अपॉन रूट थ्री। ये जिस तरीके से मैंने एक निकाला है इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसको कैपिटल आर के टर्म में लिखूं तो होता है थ्री रूट थ्री बाई फोर, मतलब जो था वही है, इसमें आपको क्या करना है, तीन का गुणा और कर देना है और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मुझे स्मॉल आर के टर्म में निकालना है तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री स्मॉल आर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो भी एरिया निकाल सकते हो, परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो भी एरिया निकाल सकते हो, हाइट दे रखा है तो भी एरिया निकाल सकते हो, और भुजा दे रखी है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो डायरेक्ट, आपको भुजा में बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, या अगर यहां पे जैसे किसी को कंफ्यूजन होता है तो जो ए का मान है वो आप कैसे लिख सकते हो, ए बराबर होता है रूट थ्री बाई टू अपॉन रूट थ्री एच, ऐसे लिख दो और ये ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है जो मैंने सिखाया तो आप क्या कर सकते हो कि ए की जगह पर यह वैल्यू रखो, सीधे सीधे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो आर है सॉरी कैपिटल आर होता है वो होता है ए अपॉन रूट थ्री। तो आपको अगर ए है तो आप इसको रूट थ्री आर लिख दो, सीधे सीधे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल आर की बात करें तो ये टू रूट थ्री हो जाता है, आप ये वाली वैल्यू रख दो तो वो आ जाएगा। सारा सारा आप एक बार में निकाल सकते हो अपने से ही खुद से, लेकिन आपको क्या है अब ये सारा निकालना नहीं, आपको सीधे सीधे वैल्यूज याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, देखो ये रूट थ्री बाई फोर था, एच स्क्वायर वाला आप अलग याद कर लो, एच स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, सिंपल सिंपल से आप आसानी से याद रख सकते हो। अच्छा, यहां से अगर हमें कैपिटल आर में जाना है तो देखो मैंने क्या किया, इसमें एक तीन का गुणा और कर दिया, मैंने क्या कर दिया, तीन का गुणा और कर दिया। और अगर यहां से यहां पे जाना है तो भाई हमको मालूम है एक और दो का रेशियो रहता है, स्क्वायर करेंगे तो दो और एक का हो गया, तो यहां पे बटे चार है, यहां पे चार खत्म, देख रहे हो।
चार क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बस कहानी खत्म। अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, तो भाई इसको बड़ा करने के लिए हमने क्या किया, चार का गुणा कर दिया। उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सारी चीजें आप याद रखोगे। अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होता है, रूट थ्री बाई टू ए, एक एटम में। लेकिन अगर मैं आपको मान लो सरकम रेडियस दे रखी है और हाइट पूछी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट बड़ी होती है, सरकम रेडियस छोटी होती है, ये हो जाएगा। और अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, इन रेडियस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, थ्री आर हो जाएगा, ये भी याद रख सकते हो। तो आप डायरेक्ट बदलो, अगर ये दे रखा है तो एच निकालो, ऐसा नहीं कि आर दे रखा है तो पहले ए निकालोगे फिर एच निकालोगे, कैपिटल आर दे रखा है तो डायरेक्ट एच निकालो, ठीक है। इसी तरीके से अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ए अपॉन रूट थ्री होती है। हाइट के टर्म में बात करेंगे तो होता है टू बाई थ्री एच, और अगर सरकम अंतर्वृत्त की त्रिज्या के टर्म में देखेंगे तो कितना होता है, ये टू आर होता है। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन टू रूट थ्री, हाइट के टर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा एच बाई थ्री, और आर के टर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा आर बाई टू। तो ये देखिए मैंने एक स्क्रीन पे आपके सारे फॉर्मूले लिख दिए, एरिया लिख दिया, अगर आपको भुजा दे रखी तो भी निकाल सकते हो, हाइट दे रखी तो भी निकाल सकते हो, परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी तो भी निकाल सकते हो, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखी तो भी निकाल सकते हो। मान लो अगर किसी सवाल में परिमाप दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है तो बटे तीन कर दोगे तो सीधे सीधे साइड आ जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मेमोराइज कर लो। ये देखो एक फिगर भी बना दिया है कि किसमें क्या है, ये आपकी पूरी हाइट है, ये आपका अंतर्वृत्त का त्रिज्या है, ये आपका परिवृत्त का त्रिज्या है, और यही इसके बराबर भी है, ठीक है, और ये आपकी पूरी पूरी साइड है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो भाई हमने सारे फॉर्मूले तो पढ़ लिए, ये आपका एक ही स्क्रीन पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेन यही आपका, इसको अगर आपने एक बार याद कर लिया तो भाई पूरा का पूरा संभावित त्रिभुज खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलो सवाल लगाते हैं, फटाफट सवाल लगाते हैं, क्या कह रहा है, संभावित त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 6√3 सेंटीमीटर है। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा दे रखी है। तो अगर मैं परित्रिज्या की बात करूं और भुजा की बात करूं तो क्या रिलेशन रहता है, ए अपॉन रूट थ्री। अगर मान लो आपको नहीं याद आता तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाओगे, इस तरीके से, ये एक है, ये एक है, ये रूट थ्री है। अब अगर इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका मान निकालना है, तो क्या करोगे, रूट तीन से भाग दोगे, रूट तीन से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा यहां पर लिख दिया भाई 6√3 और बटे में रूट तीन। रेशियो भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। रेशियो भूल गए तो फॉर्मूले से आपको रेशियो याद करते हुए चलना है। अभी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तब आपको धीरे धीरे ये करते रहना है। एग्जाम तक आपको ये चीज भूल जानी है, एग्जाम तक आपको सीधे सीधे ये दिमाग में रहना चाहिए, या एग्जाम में अगर ये भूल गए तो ये चीजें सीधे सीधे रहनी चाहिए, एक बार में सीधे सीधे आंसर लिखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखोगे सारे सवाल आपके लिए एक एक सेकेंड के हो जाएंगे, क्योंकि आपको सब कनेक्शन मालूम है। कह रहे समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दे रखी है, कह रहा है तब अंतः त्रिज्या क्या होगी, अंतः त्रिज्या निकालनी और परित्रिज्या दे रखी, क्या होता है, आधा होता है, 10 का आधा कर दिया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोले बात क्लियर हो गई सभी को, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे 45 सेंटीमीटर परिधि वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है 45 सेंटीमीटर परिधि वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अगर हमको परिधि दे रखा है तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे तो 15, ये भुजा आ गई। अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225√3/4, 225√3/4, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है 20 इकाइयों की ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये ऊंचाई वाला सवाल है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले इससे भुजा निकालेंगे और भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, भुजा का स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, देखो एच का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और बटे में रूट थ्री, आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। बोलो बात क्लियर होगी, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a बराबर 5 इंच भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है हमको भुजा मालूम है, लेकिन हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, परिवृत्त का। तो भाई पहले परिवृत्त की त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या मालूम है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, आंसर में पाई दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अगर भुजा दे रखी है तो क्या होता है, ए अपॉन रूट थ्री, मतलब 5/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25/3, और क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब देख रहे हो चीजें एकदम आसानी से, आप कुछ भी पूछा जाए, परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, कुछ भी आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के बाह्य एवं अंतर्वृत्त के परिधिकानुपात क्या होगा। देखो जो परिधिकानुपात है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात है वही परिवृत्त के परिमाप और अंतर्वृत्त के परिमाप में, भाई जो रेशियो त्रिज्या का होता है वही रेशियो परिधि का होता है, एरिया बदल जाता है, एरिया स्क्वायर में हो जाता है। तो भाई हमको मालूम है ये दो होता है और ये एक होता है, परिवृत्त पहले कौन सा है, परिवृत्त। तो बाह्य वृत्त का मतलब अगर रेडियस दो है और अंतर्वृत्त का रेडियस एक है तो परिधि भी बाहर का दो हो जाएगा तो अंदर का कितना हो जाएगा, एक, 2:1, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात 2 और 1 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 4 और 1 हो जाएगा। ध्यान से इसमें 1 और 4 मत लिख देना, ये गलत है, और 2 और 1 भी मत लिख देना, वो भी गलत होता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, ये भाई दिख रहा है, ये ए डैश है और ये आपका बी डैश है, का क्षेत्रफल क्या है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हमको दे रखा है, ये जो ए बी सी है बड़ा वाला, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, और ए डैश बी डैश ए बी के समांतर, कह रहा है ये जो ए डैश है और बी डैश है, मतलब ये वाली लाइन, ये कह रहा है इसके समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर है। अच्छा देखो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी त्रिभुज में नीचे वाली भुजा के समांतर अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये जो पूरा त्रिभुज होता है और ये जो छोटा वाला त्रिभुज होता है, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, और एक समबाहु है तो दूसरा भी कैसा हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। भाई अगर ये संभव है तो सारे एंगल कितने के हो गए, 60 60 60, तो भाई इसके भी एंगल सारे कितने के हो जाएंगे, 60, क्योंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल से तो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं ना, तो सारे अगर 60 60 के हो गए, एक भुजा अगर 4 दे रखी तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अगर भुजा 4 हो गई तो अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा, 4√3। बोलो बात क्लियर हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4√3। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज में h-r का मान 15 के बराबर है, कह रहा है जहां h त्रिभुज की ऊंचाई और r हमारी परित्रिज्या है, तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो इसमें भी भाई h-r दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज, क्या करें सर जी, कैसे निकाले। अरे मैंने आपको क्या बताया, ये h होता है, ये ऊपर का पार्ट r होता है और ये नीचे का पार्ट क्या होता है, स्मॉल r होता है। मैंने आपको बताया कि जो h होता है वो r प्लस r के बराबर होता है। अगर यहां से मैं h माइनस r देखूंगा किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल r। कहने का मतलब ये किसके बराबर दे रखा है, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बराबर दे रखा है, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर आपको मालूम है तो मैंने एरिया बताया क्या होता है, 3√3, क्या बताया, 3√3 इंटू अंतर्वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, यही आपका एरिया। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट मालूम है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और इससे डायरेक्ट आपको एरिया का फॉर्मूला मालूम है तो आपने एक सेकंड में कर लिया, नहीं तो आप क्या करोगे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या से आप पहले क्या निकालोगे, भुजा निकालोगे, और भुजा निकालने के बाद में क्या निकालोगे, क्षेत्रफल, लेकिन इससे क्या बहुत जल्दी निकाल लोगे भाई, 2 600 और 675 √3 आ जाएगा आंसर। बोलो बात क्लियर हो गई, एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज PQR में PA ऊंचाई है और O लंब केंद्र है और PO कह रहा है 12 है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में चाहे लंब केंद्र की बात करें, चाहे अंतः केंद्र की बात करें, चाहे परिकेंद्र की बात करें, चाहे गुरुत्व केंद्र की बात करें, सारा केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, यही है। कह रहा है ये P है और A ऊंचाई है, O हमारा लंब केंद्र है, ये O हो गया। कह रहा है PO की वैल्यू 12 है, यहां से लेके यहां तक 12 है, तो मैंने क्या बताया, ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कह रहा है PA का मान बताना, तो ये भाई 12 है और ये 6, 12 6 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कई बार आपसे सवाल में सिर्फ इतना भी पूछ सकता था, OA का मान बताओ,
तो OA का मान कितना हो जाता, 6 हो जाता। इसमें आपको परिवृत्त की त्रिज्या नहीं दी है, लेकिन यह है जो PO है वो क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या ही है। OA क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या ही है। तो एग्जाम में शब्द बदल लेगा लेकिन सवाल नहीं बदलेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एकदम आसान होता है। उसमें चाहे आप लंब केंद्र लो, चाहे गुरुत्व केंद्र लो, चाहे परिकेंद्र लो, चाहे अंतः केंद्र लो, सब एक ही जगह पर होता है। ठीक है, इसी पे एक और सवाल है। कह रहा है त्रिभुज का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसे 36 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कह रहा है हमको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जो अधिक से अधिक बने। हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है हमारे पास में एक धागा है, धागे का इस्तेमाल करके। धागा कह रहा है हमारे पास में इतना बड़ा एक धागा है, कह रहा भाई इसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, अधिक से अधिक क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई त्रिभुज बनाने के लिए भाई भुजा इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक से अधिक करना है, तो मैंने कई बार अपनी क्लासेस में आपको बता रखा है, समझा रखा है कि कभी भी हमको या तो ये बोला जाए अधिक से अधिक निकालो, या तो हमको बोला जाए कम से कम निकालो। तो हमेशा कोशिश करो जब चीजें बराबर होती हैं, जब चीजों को क्या करो, बराबर बराबर कर दो। अब भाई त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो अगर हमें इसमें बराबर बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, ये तीन भुजाएं बराबर कर देंगे और ये तीन कोण आपस में बराबर कर देंगे, तभी हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ये पूरी लंबाई 36 है, मतलब ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, 36 हो गई, तो भाई इसको परिमाप हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगर परिमाप 36 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और अगर भुजा 12 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 × 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, कितना हो जाएगा, 36√3। बोलो बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा होगा कि समबाहु त्रिभुज में किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, हाइट देके एरिया पूछ सकता है, रेडियस देके एरिया पूछ सकता है, परिमाप देके एरिया पूछ सकता है, हाइट देके रेडियस पूछ सकता है, रेडियस देके हाइट पूछ सकता है, भुजा देके रेडियस पूछ सकता है, रेडियस देके भुजा पूछ सकता है। जितने भी तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे मैंने एक ही क्लास में कवर कर लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और जितने भी सवाल अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो तो आप कर ही लोगे, प्लस इनका यूज भी है दूसरे सवालों में, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे भी आप आसानी से कर पाओगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और भी अगर साथी आपके तैयारी करते हैं तो उन सभी के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिए।